कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। देखने आया कि इतना सुंदर बालक, ये भूल बालक है कि कौन हर कितने लाए। इन्होंने तो बता दिया कि वहां लहर तारा तालाब में मिला है कमल के फूल पर, फिर परमात्मा की लीला थी, किसी के मन में दूसरी भावना नहीं आनी थी। अब इसके विषय में परमात्मा की पुनातु, जैसे तुलसीदास साहिब जी ने, तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की लीला को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज चित्रार्थ कर दिया अपनी लैंग्वेज में, चौपाइयों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। और जो ही ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में, गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा के अंदर, और वहां से उनकी आत्मा को सचखंड रूपर के सारी व्यवस्था, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने सतलोक में जहां वो मालिक रहते हैं तीसरे स्थान पर, वो सबसे परिचित करा के उनको वापस छोड़ा था और उनका ज्ञान योग खोल दिया था, उनको दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस पिछली घटनाओं को गरीबदास साहिब जी ने वहां बैठे देख देख कर चलचित्र की तरह देख रहे थे और बोल रहे थे और लिखने वाला लिख रहा था। उस वाणी को दास आपको सुनाता है, उसके अंदर कितनी प्यारा व्याख्या की है। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश द्राविड़ छोड़ कर वो आए पूरी बितार। यानी भारतवर्ष में इस काशी शहर की बहुत महिमा है, बहुत प्राचीन महिमा है, और काशी शहर के ब्राह्मण लोग ऐसे ठग हो गए थे, दुनिया को भ्रमित करते थे, ऊत बूत की पूजाएं बताते थे, संतर मंत्र पर आधारित कर दिया था। महर्षि रामानंद ये ब्राह्मण थे, इन्होंने देखा उस पवित्र नगरी का हाल, तो वहां आकर रहने का विचार किया कि इन लोगों का कुछ उत्थान करूं, उद्धार करूं, इनकी बुद्धि उठाऊं, वेदों और गीता और पुराणों के आधार से इनको साधना बताऊं। तो स्वामी रामानंद जी ने भी बहुत सा सुधार करने की चेष्टा की, 1400 शिष्य बना दिए ऋषि के, तो वेदों पुराणों का प्रचार करो, जैसा भी उनको ज्ञान था वो ज्ञान दिया। तो रामानंद जी भी वहां आ चुके थे। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीर, अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि ये कबीर है जो माँ से जन्म नहीं हुआ था। अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाँ आए, अनंत कोट ब्रह्मंड में केवल बंदी छोड़, बंधनों का शत्रु यानी पाप कर्मों के काटने वाला कबीर जी है। और सो तो एक कबीर है जो जननी जने नमाए, शब्द स्वरूप साहेब धनी शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। अब जैसे ये अज्ञानी लोग कहा करते थे
कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अंतर्यामी है। यदि भगवान साकार हो तो अंतर्यामी नहीं हो सकता। पुणात्मा, आज के विज्ञान में हमने ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि अंतर्यामी की के परिभाषा होती है। जैसे एक्सरे की मशीन बाहर होता पूरा लठलो का, और वो अंदर की चेस्ट की सारी बातों को जान लेता है, उसकी बाहर सब कुछ जान लेता है, इसमें क्या क्या रोग है। अल्ट्रासाउंड की मशीन साकार है और अंतर्यामी है, वो अंदर की सब बीमारियों को ढूंढ लेती है कहाँ डिफेक्ट है। जब एक मनुष्य की बनाई हुई एक तकनीक यानी एक यंत्र अंतर्यामी हो सकता है, भगवान जिसने मनुष्य बनाया वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। तो वो ऐसे अंतर्यामी है कि वो उनका उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। परमात्मा एक देशी है, साकार है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। जल तल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक है, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं, सेवक हो के उतरे, दास बन के हमारे एक नौकर की तरह रहा करते थे, सेवक होकर अवतरे वहां से उतरे नीचे आए, गमन करके गति करके आए। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, किस कारण से आए, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाले अकेले को कबीर भगवान। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। अपने आत्मा परमात्मा को नारायण कहा करते थे। हमने सोचा करते विष्णु जी नारायण है कि जल के ऊपर शेष आग की सैया के ऊपर लौट रहे हैं। असली नारायण तो ये थे कि ये जब भी लीला करते हैं जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं। इसके विषय में वेद क्या बताते हैं देखिएगा। पुणात्माओं, वेदों में भगवान की महिमा है, और परमात्मा जो लीला करता है उनकी जीवनी इन वेदों में ग्रंथों में विद्यमान है। देखिएगा यजुर्वेद, इसका अनुवादक है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अनुवादक है इसका, ये संपादक ये वही है श्री राम शर्मा जी। प्रकाशक है ब्रह्म वर्चस, शांति कुंज हरिद्वार उत्तरांचल में। इसमें देखिएगा ये है त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय, इसके दूसरे मंत्र में इसमें अर्थ किया इसने कि जल के पृष्ठ यानी जल पर उत्पन्न अथवा जल को धारण करने वाले हैं। ये अनजान तो थे ही, अड़ंगा थोड़ा बहुत कर दिया करते थे, फिर भी सच्चाई नहीं छुपी। ये है कि आप जल के पृष्ठ यानी जल के ऊपर उत्पन्न होते हैं, इस कारण से जल पर उत्पन्न होते हैं। इनको अनुवाद नहीं करना है, तो वही बात समझ लो कि जैसे कोई फॉरनर हिंदी सीख ले और वो फिर रामायण ले जावा यहां से अपने देश में, और उन दूसरे अंदर कहती है ना आती हिंदी, उन हिंदी जान, वो खुद हिंदी जानने वाला और रामायण की कथा से वो परिचित नहीं, अनुवाद फिर अड़ंगा ही करेगा उसका, वो कुछ भी ना करना उसने। तो ऐसा कर रखा है इन्होंने। अब प्रसंग है कि काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमन को मुजरा हुआ ये जंगल में दीदारे। कोट किरण शशिभान सुदि आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड अरुप्राण। कहते हैं कोट किरण शशिभान शुद्ध है, इतना सुंदर श्री परमात्मा का। कहते हैं
और प्रसद पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और उपराण है। जब उस माई ने परमात्मा को बालक रूप में गोदी में लिया, कहते हैं उसकी आत्मा और शरीर एकदम शांत हो गया, यानी सभी जो ताप थे, कोई प्रभाव था संस्कारवश, वो सब एकदम दूर भाग गया भगवान के वहां आते ही। और उसको एकदम नारी खुशी, पहली खुशी तो ये कि पुत्र मिल गया, और फिर भगवान जैसे बर्फ है, बर्फ तो वैसे भी हाथ रखा जा तो भी अपना प्रभाव दिखाती है, ऐसे ही परमात्मा वहां अपना प्रभाव दिखा रहे थे। उसके विषय में गरीबदास जी बता रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। इतना सुंदर श्री परमात्मा का, गोद लिया मुख चूम कर, मुंह चूमया यानी मुंह को से प्यार किया अपने बच्चे को जैसे न प्यार करते हैं, और कहते हेम रूप झलकंत परमात्मा का इतना सुंदर शरीर जैसे व्हाइट, जैसे हेम माने बर्फ, हेम रूप बर्फ जैसी सुंदर सफेदी, जैसे कहते हैं ना कोई कपड़ा लेने जाते हैं बाजार में तो उसको कहते हैं भाई स्नो व्हाइट देना, यानी बर्फ जैसी सफेदी का, तो कहते हैं हेम रूप झलकंत और जगर मगर काया करे जानु दम के पदम अनंत। इतनी सुंदर श्री मालिक का, कई बार देखते हैं ना कई गोरा सा रंग हो किसी बालक का व्यक्ति का, नो कह कर इसका न्यारा है, नूर है भाई, इसके चेहरे का नूर है न्यारा है, तो वैसे वो नूर मालिक का ऐसा चमक रहा था। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेर, कोई तो नहीं देवता मता रहा ही कोई, इतना ऐसा तो बालक देखा ना सुना हमने ऐसा शरीर मालिक का। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में इसी परमात्मा के इसी शरीर की जानकारी है कि वो कबीर मनीषी सप्रियागात, यानी वो प्रियागात माने पहला देहधारी है, लेकिन उसका शरीर वो पहला देहधारी है और उसका शरीर सुक्रम अकायम ऐसराविरम स्वयंभू परिभू, उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी माता पिता के संयोग से शुक्र से बना हुआ नहीं है, उनका उनका शरीर बिना नाड़ियों का और हमारे जैसी पांच भौतिक काया रहित है, स्वयंभू है वो, तो वो तेज पुंज का शरीर है मालिक का। उसके विषय में यहां बता रहे हैं, काशी उमटी गुल भया, उमड़ उमड़ का सारी काशी के लोग काशी के, और मोमिन का घर घेरे मुसलमान का घर घेर लिया, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेर, कोई कह धर्मराय है कोई कहते है ईश, सोलह कला सुभान गति ही कोई कह जगदीश, भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे, मोमिन का डेरा लिया उसको कहे कबीरा बाप। कहते हैं भक्ति और मुक्ति लेकर वह उतरे थे भगवान अपने सतलोक से चल कर आए थे, और मेटन तीनों ताप उस मालिक की भक्ति से उसके दिए द्वारा मंत्र से हमारे तीनों ताप नष्ट हो सकते, ना इन वेदों मनित विधि से नहीं हो सकते, वो पांचवा वेद देने आए थे। और मोमिन का डेरा लिया कहे कबीरा बाप, एक मुसलमान के घर जन्म डेरा ला लिया, वहां आकर विराजमान हो गए ऋण ला गए, और फिर उसको बाप कहे उस नीरू को, पिताजी बाबू बापू जो भी भाषा थी। अब दूध न पीवे न अन्न भखे न पलने झूलंते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। अब देखो परमात्मा की लीला पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले लीला की थी भगवान कबीर परमेश्वर ने, और सन 1727 में परमात्मा
पहले वहां काशी में लीला करके चले गए थे सन 1518 में, और सन 1727 में फिर वहां आए, यानी लगभग 200 वर्ष के बाद सतलोक से चलकर वहां गरीबदास जी को मिले खेतों में, गांव छुड़ानी जिला जर के जंगल में। और उस समय गरीबदास जी ने ये वाणी बोली, मालिक का पूरा ज्ञान समझ गया, उनके आशीर्वाद से दीव दृष्टि खुल गई। उस समय क्या कहा कि दूध न पी व न अन्न भखे। उस समय भी यही लीला की थी, परमात्मा आए थे तो कुंवारी गाय का दूध पिया था जब गरीबदास जी को मिले थे। ऐसी ही लीला करता है वो भगवान, जब यहाँ आता अतिथि रूप में रुकता है, आता है, ये लीला करता है। यही वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण किया है। आगे बताते हैं, दूध न पीवे न अन्न बखे न पलने झूलंते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंते। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईसे का जो जो मातृसाए। अब जितने भी नाम धरे उस बालक के, कोई नो कहे तो भूत से, कोई कहे प्रेत से, कोई कहे ब्रह्मा से, कोई विष्णु है, तो अमाई दुख पावे अरुण ते बच्चे न लकोवे, तुम नजर लाओगे मेरे बालक के, अर क्यों नाम धरो हो न्यारे न्यारे। खलक मुलक देखन गया वहां राजा प्रजारीत, जम्बू दीप ध्यान में वो उतरे शब्द अतीत। ये जम्बू द्वीप है भारतवर्ष, कहते यहां पर परमात्मा अवतरित हुए। सकल कुरान फिर क्या हुआ, दुनी कहे यू देव है, देव कहते हैं ईसे, ईस कहे ये पार ब्रह्म है पूर्ण विश्वे बीस। अपनात्मा अब क्या होता है, जब परमात्मा 25 दिन के हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, अब एक समस्या और खड़ी होगी नीमा के सामने, नीरू के सामने। नीमा कहती है कि मैं, ये बालक मरेगा, ये भगवान साथ में मैं मरूंगी, ये बच्चा अब मरेगा क्यों, खाता पीता नहीं, दो दिन ना खाओ माता पिता ने भी अन्न खाना मुश्किल हो जाता है, बहुत बुरी तरह रो रही है। और भगवान शंकर को याद कर रही है, क्योंकि वो शंकर के पुजारी थे, भले मुसलमान बन गए थे, और कह रही है हे भगवान शिव जी, या तो इसको देना ही नहीं था और देकर फिर छीन रहे हो, आपकी लीला अजब है, नहीं दिया था तो सब्र था, रो रहे थे, रो पीट कर टाइम पास कर रही थी, अब ये बच्चा मरेगा साथ मरूंगी, अगला दिन नहीं पकड़ूंगी मैं, अन्न पानी त्याग दूंगी। हृदय से ये सोचा तो परमात्मा ने देखा बुढ़िया मरेगी, अंतर्यामी कबीर साहब वही विराजमान। शिव जी के प्रेरणा करी कि कौन रो रहा तुझे याद करके, शिव भगवान आए वहां से साधु रूप बना के खड़े हो गए सामने, माई क्यों रो रही है। नीमा ने बताया, भगवान हे महात्मा जी, घनी दुखी हूं मैं, बहुत दुखी हूं, मत सुनो मेरे दुख न, मना रो लेने दो। फिर उसने बताया कि माई बता दे, अपना दुख बताने से हल्का हो जाता है, और मेरे सत्र का कोई तेरे लिए राहत होगी तो अवश्य दूंगा। तो माई ने सारी कहानी बता दी कि पहले हमारे संतान नहीं थी, और एक दिन भगवान शिव ने ये लाल हमें दिया, ऐसे कमल के फूल पर मिला, अब 25 दिन का हो गया, कुछ नहीं खाता पीता, अब ये भी मरेगा और मैं भी मरूंगी महात्मा जी, ये आज उसी दिन 200 हमारे घर से जाएंगे। तब भगवान शंकर ने जो साधु रूप में खड़े थे कहा कि ला दिखाना तेरा बच्चा कहाँ है। बच्चे को लाई उठा के और देखा, इतना सुंदर शरीर, जैसे किलो दूध पीवे बालक डेली, इतना स्वस्थ शरीर, वो तो अमर परमात्मा से। माई ने सोचा श्रद्धा से बच्चे को जीवन दान दिलाने के लिए महात्मा के चरणों में डालना चाहा,
ऐसे पटकना चाहा परमात्मा आकाश में उड़ गए, आकाश में ऊपर को उठ गए और शिव जी के सिर के लेवल में आकर स्थिर हो गए हवा में। तब भगवान शिव ने साधु ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गए। तब परमात्मा ने नवजात शिशु ने 25 दिन के बालक ने कहा कि ऐसी महाराज इसको कह दो, शिव जी कह दे इसको एक कुंवारी गाय ले आवेंगे, उस पर अपना हाथ आशीर्वाद से हाथ ला देना, वो दूध देवेगी। एक कोरा बर्तन मंगा लो कुमार के तो ताजा। ऐसा ही किया गया। नीरू से कहा कि नीरू जा, तो भगवान शिव ने कहा साधु रूप में, एक कुंवारी गाय ला और एक कोरा बर्तन ला, तेरा बेटा दूध पिएगा। ऐसा ही किया, भगवान शंकर ने थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ गौ बछिया कुंवारी बछिया के कमर पे मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और अपने आप दूध नीचे पात्र रखते ही दूध बहने लग गया, धार बंद चली और पात्र भरते ही बंद हो गया, मालिक ने पिया। तो पुण्यात्मा अब ये लीला केवल कबीर साहब ने की है और वेद बताते हैं। अब आपको वेदों प्रमाण देंगे, हमने भगवान को पहचानना, फिर भक्ति तो जमा आसान है, कुछ भी तो ना करना। एक बार आपका दृढ़ विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड, हम गॉड को गॉड ही मानना मुश्किल हो रहा हमने, तो फिर भक्ति ज्यादा कठिन नहीं है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये किसने कहां से छपा है, कौन है इसका प्रकाशक? प्रकाशक सर्वदेश कार्य प्रतिनिधि सभा मैर सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये इसके मुद्रक हैं, प्रिंट ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद करके जल्द किया हुआ है। ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त 1 का प्रथम मंत्र में देखो, इसमें वेद के मूल पाठ में ऐसा ही है। और इन्होंने कहा कि हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है, इनकी गड़बड़ी जो थी इन्होंने गलती की अनुवादकर्ताओं ने कि भगवान निराकार है इसलिए कहीं अर्थों के अनर्थ करना चाहा, उसको सिद्ध करने के लिए यहां से दिखा रहा है दास। अब 2 नंबर मंत्र में, हे परमात्मन आप भगवान की महिमा चल रही है, और फिर 3रे मंत्र में हे परमात्मन आप, फिर 4थे मंत्र में हे परमात्मन आप, और फिर 5वें मंत्र में हे परमात्मन तुमको, और फिर 6ठे मंत्र में हे परमात्मन। अब 7वां में याद आ गई इनके, दानन तो निराकार बताया करता, रागन तन लिखा इसका, उसमें लिख दिया उस पुरुष को, या ना लिखना उस परमात्मा को। और फिर 8वें में देखो, यह लिख दिया उस पुरुष को, यह लिखना था उस परमात्मा को, परमेश्वर को। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं, अब वर्तमान के अंदर इन वेदों की ठेकेदारी इन आर्य समाजियां ले रखी है और महर्षि दयानंद को ये महाविद्वान मानते हैं। अब वेदों का अनुवाद इन्होंने कर रखा है। अगर दास करे तो ये न्यू कहते हैं कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, ये सारी झूठ बोलता है, ये तो महर्षि तो विद्वान था है, ये आचार्य विद्वान है, वो संस्कृत जानते थे, उनका अनुवाद सही है। अब दास पर कृपा करी परमात्मा ने कि इनकी बुद्धि फेर दी जब अनुवाद करें थे, फिर भी ये सच को छुपा नहीं सके कहीं ना कहीं, क्योंकि चोर चुरावे तुम्बड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे ने सच्चाई छनी ना। अब दानंद के शब्दों में दिखाते पुरुष माने क्या होता है। देखिए ये एक पुस्तक है महर्षि दानंद सरस्वती कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इसका नाम है इतना, ऋग्वेद नहीं आयो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का नाम है। और ये यहां से प्रकाशित है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दानंद भवन 3/5 आसफ अली रोड नई दिल्ली। अब इसके एक 125 पृष्ठ को आपको दिखाते हैं, ये 125 पृष्ठ, ये सृष्टि विद्या विषय संक्षेप्त
अच्छा इसमें यहां ये कोई अनुवाद करना चाहा इसने, भाषार्थ कर रहे हैं कि पुरुष माने यत पुरुष, ये संस्कृत है, पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, पुरुष उसको कहते हैं इसके ही शब्दों में। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद के उसी मंडल में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर अब 8 और 9 में। यहां इन्होंने पुरुष लिख दिया, तो पुरुष का अर्थ परमेश्वर ही होता है। देखिएगा, ये ऋग्वेद हम फिर पढ़ रहे हैं, वही जो अभी आपको दिखा रहा थोड़ी देर पहले, ये वही मंडल है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1। अब मंत्र नंबर 6 तक तो इन्हें लिख दिया परमात्मा, और आगे इनने सोचिए तो बात बिगड़े, पहले शुरू कर दिया उस पुरुष को, उस परमेश्वर को ये करना था। यहां देखो आठवें में, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी बहुत सुंदर तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा, जैसा दान दापे बता रहा पुरुष माने परमेश्वर, वह परमात्मा प्राप्त होता है। तो निराकार कहां रहा भगवान, ये निराकार निराकार कहा करते हैं, देखिएगा। और फिर ये भी निर्णय दिया है इसमें, शरीर धारण करता है और जिसमें तीन प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब यहां देखिए नौवां, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 9 में, ये मूल पाठ में शिशु नाम है, शिशुम यानी शिशु बालक रूप, अभी अदन्या, अभी इमम अदन्या, यहां से पढ़ते हैं उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोम माने पुरुष माने परमात्मा को, उस अमर पुरुष को शिशुम जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अदन्या, अदन्या माने बिना दनाई यानी कभी ब्याई ना हो, तो यानी उसने टच भी ना करी हो सांड ने बैल ने, तो यहां कहते हैं अभी अदन्या यानी पूर्ण रूप से बिना दनाई, अभी माने सब प्रकार से पूर्ण रूपेण, अदन्या माने यानी कुमारी, अभी अदन्या कर संतो कुमारी, देनो माने गौवे, कुमारी गौवों से उसकी तृप्ति करती, उसकी तृप्ति करती है। भावार्थ है कि परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है उसके पालन की लीला, परिवर्ष की लीला कुमारी गौवों से होती है। अंडरस्टूड, इतना ही काफी है। अपनात्माओं, ये तो वेदों में लिखा है, वेद तो बहुत पुरातन ग्रंथ माने जाते हैं, और परमात्मा ने ये लीला 600 वर्ष पहले की, और प्रत्येक युग में ऐसे ही करते हुए, इसलिए उनको नारायण कहते हैं कि नार माने जल, आयन माने वहां विराजमान होने वाला, और भगवान सारी आण पानी में रहेगा, कोई नौका तो नारायण जल में रहता नहीं, वो यहां जब आता है एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर, उस जल के ऊपर विराजमान होता है, इसलिए वो नारायण, ये है वो नारायण कबीर साहब। अब ये 600 वर्ष पहले जो लीला हुई थी और लिपिबद्ध की थी धर्मदास साहेब जी ने, वो कबीर सागर नाम है उसका, मालिक की लीलाओं का, उनकी वार्ता का, अब कबीर सागर में प्रमाणित करते हैं कि ये लीला भगवान ने खुद देखी थी आके। इन सभी सदग्रंथों से हमने भगवान परमात्मा को पहचानना है, और फिर भक्ति करेंगे डट के, फिर निरसंशय होकर के भक्ति किया करेंगे। ये थोड़े से दिन की बात है, पूरे विश्व में ये बात आप पर सेट हो जाएगी कि सचमुच परमात्मा एक ही है, हम एक पिता की संतान हैं, पूरी पृथ्वी पर हम एक ही प्राणी हैं, एक ही पिता की संतान है। और मोक्ष सभी को चाहिए, यहां से छुटकारा सबको चाहिए, तो सबको यही साधना करनी पड़ेगी, और कोई विश्व में विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान से जानकारी होती है हमारे को। अब ज्ञान ऐसा निर्मल हो गया, इसमें संशय नहीं रहा कि हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा, कबीर इज गॉड। ये देखो, ये कबीर सागर है, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से, ये कबीर पंथी का ही
कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत इसके द्वारा संशोधित मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई। अब इसके इस ज्ञान सागर में ये ज्ञान सागर है और प्रश्न नंबर 74 पे है ये प्रश्न इनका 74 पे। अब यहाँ लिखा है सुन जुल्हा मन भयो आनंदा जिमी चकोर पायो निशी चंदा ले सुत चले हर्ष मन कीन्या तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव वही गरीबदास जी ने लिखा है और वही कबीर सागर में लिखा है अन पानी बख नहीं जुल्हा शोक मनावे तब जुल्हा मन कीन तिवाना रामानंद सो कही उत्पाना मैं सुत पायो बड़ गुणवंता कारण कौन बखे नहीं संता रामानंद ध्यान तब धारा जुल्हा सो तब वचन उचारा पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति और हरि सेवा किन सी बलभाती कुछ तुम सेवा हर की चूका ताते भयो जुल्हा का रूपा प्रीति प्रभु गही तोर लेनी ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब गिरु को कहा कि तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था रामानंद जी के पास गए कि मेरा लड़का भोजन नहीं खा रहा ना कोई दूध पी रहा है को समाधान बताओ स्वामी जी। स्वामी जी ने फिर कारण बताया कि तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था तेने कोई गलती की थी जिस कारण से तू दानक बना जुल्हा बन गया। उसने कहा मालिक वो तो हुई सो हुई हे प्रभु दस की नो तस पायो मैंने तो किरा सो भर लिया आरत हो तू दर्शन आयो सो कहिए उपाय गुसाई बालक अक्षुधावंत कुछ खाई ऐसा विधि बताओ मेरा बेटा कुछ खा ले। रामानंद युक्ति विचारा तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा बचिया जाही बैल नहीं लागा सोले ठाड करो ते आगा। रामानंद जी बता रहे हैं कि तेरा पुत्र कोई आम व्यक्ति नहीं है यो पिछले जन्म का कोई अच्छा विद्वान पुरुष है इसलिए इसने पिछली अपनी जानकारी है और बचिया जाही बैल नहीं लागा यानी कुंवारी गाय जिसने बैल ने कभी टच भी नहीं किया है और सो ले ठाड करते ही आगा उसके सामने ले आओ दूध चले ते थनते दूध धरो छिपाई अक्षुधावंत जब होवे ताके देखवाई। जुल्हा एक बचिया ले आवा और चलो दूत कोई मरम न पावा चलो दूत जुल्हा हरसाना राग छिपाई का हो नहीं जाना। अब यहाँ जो दूत शब्द है ना ये कबीर पंथियों ने ये बहुत सा और विवरण था कि कौन आया था कैसे आया था कब शंकर भगवान आए थे तो कबीर पंथी केवल कबीर जी को एक संत मानते रहे और शंकर जी को उसमें मिलाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो अलग पंथ बना बैठे तो इस करके इन्होंने यहाँ कुछ कटिंग कर दी। अब इसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने की है। पुण्यात्मा ये अध्यात्म ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान को आपने ढंग से समझना पड़ेगा। जैसे हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं 12-13 वर्ष 16 वर्ष और केवल एक पेट के लिए उसको पूरा फ्री भी कर देते हैं खर्चा भी खूब लगाते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार और फिर भी उसको रोटी मिले ना मिले रोजगार मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं तो उसके लिए हम इतना डिवोट करें क्योंकि हमने सिर्फ रोजी रोटी देखी आज तक। अब हमने मोक्ष के लिए इतना समय लगाना पड़ेगा इसी तरह हमने कुर्बान होना पड़ेगा और इसमें हानि नहीं इसमें मोक्ष होगा ही होगा इसके लिए हमने समय भी चाहिए ये कथा भी सुननी चाहिए। और जैसे गुरुदेव बतावे यानी आध्यात्मिक टीचर आप विद्यार्थी जैसे गुरुजी बताओ वैसे फिर करके देखे और तभी सफलता होती है। अब आपने देखा कि परमात्मा ने यह लीला करी और कुंवारी गाय का दूध पिया। अब जैसे आपको बताया था कि शिव आए थे शिवपुरी थे और उनको फिर दूध पिला। अब यही चित्रण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है
अब ये जो कबीर सागर में इन्होंने कुछ 600 वर्ष के अंदर जो कुछ त्रुटियां अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर दी, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं, मालिक की दया से शेष रहेगी। तो अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास ये 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम से, कबीर पंथ, उनमें जो प्रथम आवेगा जैसे चूड़ामणि जी, वो तो अच्छी आत्मा होगा, आगे चल के उसके उत्तराधिकारी बस नकली हो जाएंगे सारे, काल प्रेरणा से और ही साधना शुरू कर देंगे। ऐसे ही गरीबदास साहेब जी तो परमात्मा की आत्मा थी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी 12वें पंथ में जो आए हैं, लेकिन आगे उनके उत्तराधिकारियों को कैसे का पता नहीं, ना परमात्मा की वाणी को समझ सके और ना ही मालिक ने समझाना उचित समझा था कि ये भेद अभी खोलना नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ बोल बोल के लिख दी, लिखवा दी, और आज इस दास को वो सद्बुद्धि दे दी कि इन गुड रहस्यों को आपको समझा दिया। तो उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कही थी क्या होगा कि वर्मा पंथ जो कबीर पंथ होगा उसमें मेरे महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी, मेरा सच्चा ज्ञान फिर प्रकट होगा वर्मा पंथ के प्रवर्तक के द्वारा, लेकिन उस वर्मा पंथ के अनुयायी भी उस मार्ग को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इसलिए गरीबदास साहेब जी ने भी बोल बोल कर लिखवा दी, उसका निर्णय नहीं दिया किसी को। इसलिए कहा कि ये सब पढ़ेंगे गरीबदास वाले पंथ के भी लोग, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे, असंग जन्म सतलोक नहीं जा सकते, उनमें अभिमान हो जाएगा कि हम गरीबदास अनुयायी हैं, हमारे वो ग्रंथ हमने अच्छी तरह आता है, उनको कक्का नहीं पता ये दास उसमें रह क्या है। अब ये प्रमाण भी कबीर सागर से देंगे आपको, ये कबीर सागर है जो अभी आपको दिखा था, और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई से, ज्ञान सागर। इसका अनुवादक भी कबीर पंथी है, इसका जो संशोधक है कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परीक्षित, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, आपको दिखाई दिया। ये कबीर वाणी है और प्रश्न नंबर ये 136 पे क्या बताया है, द्वादश पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ जैसे चले कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया कि 12 पंथ ऐसे होंगे, वो प्रथम द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जावे ठिकाना, इन 12 पंथों में ये प्राणी कोई भी पार नहीं हो पावेगा। अब क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही संदेश रहेगा, और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, यह लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा, लेकिन यहाँ इन्होंने कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर दी कि चूड़ामणि जी को काल का पंथ नहीं बताना चाहते थे, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती। प्रथम जग में जागो बरमावे और बिना भेद वो ग्रंथ तुरावे, दूसर सुरत गोपाल होई मूल निरंजन, फिर पंथ टकसार पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये जीवा पंथ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहां इन्होंने क्लियर लिखा है कबीर चरित्र बोध में, ये है बोध सागर में कबीर चरित्र बोध, और यहां से शुरू किया है ये 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 है, ये ब्रैकेट वाले पृष्ठ है, और बोध सागर यहां लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत, नारायण दास जी का पंथ, ये नारायण दास जी कबीर पंथ में नहीं थे, ये तो श्री कृष्ण पंथ में था, यहां था चूड़ामणि का पंथ, इन्होंने जान के काट दिया, यागो दास जी का पंथ, यागो जागो को है यागो पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसार पंथ, फिर भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमालीय पंथ, राम कबीर पंथ, बर्मा है गरीबदास पंथ,
ये छुड़ाने वाले जो हुए हैं गरीबदास जी वो बारहवें पंथ में, अब फिर हम यहाँ आते हैं, हम फिर आते हैं कबीर वाणी के 136 पृष्ठ पे कबीर सागर में, अब फिर देखते हैं द्वादश पंथ चलो सो भेद, हम यहाँ तक आ जाते हैं कि प्रथम जागू का, दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन है ये चौथा, और पांचवा टकसार पंथ, धीरे धीरे हम यहाँ आते हैं, फिर जैसे सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, फिर ज्ञानी पंथ, और फिर दसवा ग्यारहवा से परम धाम की वाणी पंथ। अब ये है बर्मा संवत 1775 हुई, ये 1774 है, क्योंकि संवत 1774 सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, ये तो बर्मा पंथ है, ये गरीबदास वाला पंथ, और संवत 1774 समझो 1774 हुई, इसमें लिखा 75 है। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, और असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। गरीबदास जी की वाणी से ये समझावेंगे असंग जन्म वो ठिकाना नहीं जा सकते। बर्म में पंथ प्रगट हुआ वाणी, बर्म में पंथ गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर प्रगट होगी, जो कबीर सागर में त्रुटियां हो गई होंगी उनको पुनरावर्ती कर देगी। बार में पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाणी, ये गरीबदास पंथ वाले हमारे इस वाणी का निर्णय तो करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और ये बारह पंथ हमी को जावे, साख हमारी लिए जीव समझावे, ये गरीबदास पंथ वाले अन्य, और कहते हैं असंग जन्म वह ठोड़ नहीं पावे, असंग जन्म नहीं जा सकते गरीबदास पंथ वाले, और जो नकली कबीर पंथी जोर है वह भी। फिर कहते हैं बारहवे पंथ हम ही चल आवे, वो बारहवे पंथ में आगे चल के तो वाणी प्रकट होने के बाद, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। अब दास को भेज दिया, दास इस गरीबदास पंथ से संबंधित है, और बारहवे पंथ वो खुद नहीं आए, परमात्मा दास को भेज दिया और वही पावर दे दी, अपने काम तो वही कर रहे हैं मालिक की। बारहवें पंथ में हम आएंगे फिर ये नसब न देखेंगे, सबको एक पंथ बना देंगे, सारा सब ज्ञान के आधार से समझ जाएंगे। तब लग बोधो कुरी तुम्हारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मघर मांडो मैदाना। कहता है कलयुग का प्रथम चरण वो होगा, मैं मघर से सह शरीर जाऊंगा, मघर से प्रथम चरण कलयुग का, तीन चरण बताए कलयुग के, ये बीचला चरण अब चल रहा है, ये प्रथम चरण कलयुग निराणा, और तब मगर मांडो में दाना, धर्म राय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित काजी। अब यहाँ जाता है 5505, तब ये शब्द होगा साचा, 5505 जब वर्ष ले जाएंगे कलियों के तब ये साचा होगा, सन 2006 में समझ लो ये साचा हो गया, और आज ये 2011 चल रहा था। अब इसका कारण क्या था कि कलियुग के जब 5505 वर्ष लगभग बीत जाएंगे उस समय यो मेरी आज की बोली हुई वाणी, सन 1398 से 1518 के बीच में जो वाणी बोली है परमात्मा ने वचन कहे हैं कि ये उस समय सच्ची होंगी, आज ना दच्चा किससे कहे, आज किसी को विश्वास नहीं होगा इसका, उस समय यह सच्ची होगी ये बात जो मैं आज बोल रहा हूँ। और तब तक है धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, ये देखिएगा आगे इसी में, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, 5505 तब ये शब्द होगा साचा, इस इतने समय कलियों के बीत जाएंगे तब, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बार जिन बाहर ना जाई, ये ना जाई गलत प्रण गलत हो रहा है, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गोई यानी गुप्त तुम रखो, मूल ज्ञान जो बार है पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंस वंश नीतर ही, 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा, गोए रखा, गोए मन गुप्त, मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। अब यहाँ दिखाते हैं आपको 134 पृष्ठ पे सारा निर्णय दे रखा परमात्मा ने, कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे,
अब यहाँ बताए हैं 13 वंश, 12 तो ये थे काल के जाल में रह गए सारे। प्रथम वंश उत्तम, ये नारायण वो है चूड़ामणि जी, दूसरे ये जागो, और ये तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब यहाँ आ जाते हैं कि वर में वंश गरीब, वर्मा गरीबदास वाला ही हो, वर में वंश प्रगट हो उजियारा, यानी वर में पंथ में मेरी महिमा की वाणी से मेरा फिर से उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगी उनसे। और कहते हैं तेर में वंश मिटे सकल अंधियारा, ओए होए तेरवा वंश मेरा आवेगा दास, कहते सब अज्ञान हटाया जाएगा उसमें, सब मिटे सकल अंधियारा। और एति दगा काल समाई और तत्व बिंदु की टेक रह जाई, काल इतनी दगा करेगा फिर भी हमारे तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, यानी उस समय तक इसको छुपा के रखना है। जो तेरवा वंश इस दास की तरफ संकेत है, अंडरस्टूड है, तेरवे वंश मिटे सकल अंधियारा, अब सब झंझट ये सब अज्ञान हट जाएगा। नौमन सूत उरजिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़जन दूजी बार। अब जो आपको प्रसंग दास सिद्ध करना चाहता था कि परमात्मा जब आता है वो ऐसी लीला करता है, और वो लीला किसने की है? कबीर परमेश्वर ने, जिसके वेद गुण गाते हैं। परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, और ये वेद मेरी महिमा ही बढ़ा रहे हैं। आपको और थोड़ा वेद दिखाते हैं। पुण्यात्मा हमने परमात्मा को पहचानना है, ये देखिएगा एक ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है, इसको दिखाते कहाँ से है, ये यहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक पंडिता राकेश रानी, और यहाँ से छपा प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली दान संस्थान। इसमें 10वें मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 49 में प्रथम ही मंत्र में लिखा है, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 49, ये 49 का प्रथम मंत्र। इस प्रथम मंत्र में लिखा है, परमात्मा कहते हैं मैं सतुति करने वाले को, जो सत्साधना करते हैं उसको सनातन ऐश्वर्य निवास योग लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। मैं सतुति करने वाले को सनातन ऐश्वर्य, यानी जो सदा रहने वाला, कभी नाश ना हो, मोक्ष निवास योग्य लोक यानी सतलोक पूर्ण मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। अहम ब्रह्म कर्णवम करणम, मैंने ब्रह्म नहीं, हमने मैंने ब्रह्म को उत्पन्न किया, इन्होंने वेद लिख दिया। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, राजा का अर्थ विधान नहीं होता, संविधान नहीं होता। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ, काल की उत्पत्ति मैं ही करता हूँ ब्रह्म की, और जो वेदों में महिमा है यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। यज्ञदान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ, यानी तुम्हें रास्ता भी मैं दिखाता हूँ जो मेरी शरण में आते हो, और वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अब क्या बताते हैं, अब ये सारे प्रमाण हो गए कि कबीर परमात्मा, वेदों में लिखा कि परमात्मा कहता है कि मेरा भेद है वेदों में पूरा, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की काल की, इस ब्रह्म की, और वही खुद अपने सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कहा था वेद मेरा भेद है मना वेदन के माही, यानी जिस इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है लेकिन महिमा मेरी ही है सारी। अब ये दास फिर उसी टॉपिक पर आता है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी प्रकट हुई उन्होंने उसकी पूर्ति की है। कबीर सागर में भी छुपी नहीं रही बात कि वो कह रहे रामानंद जी ने कहा नहीं, ये दूत
शब्द बीच में है, वो कहते उन पता नहीं था वो कौन था भगवान का भेजा हुआ कोई दूत आया था, वो बता गया कुंवारी गाय थपकी मार देगी। तो यहाँ रामानंद जी ने कहा कि उन्होंने कबीर सागर में लिखा है कि बछिया जाए बैल नहीं लागा, वो गाय लाओ जो अनटच हो कुंवारी गाय हो। और यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास जी, शिव उतरे शिव पूरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोदे। उस परमात्मा को गोदी में ले लिया भगवान शिव जी ने, और शिव उतरे शिवपुरी से, शिवपुरी से चलकर आए और वहां बच्चे को गोद में लिया। नजर नजर से मैं गई किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा ये धन काशी नी काम। दोनों भगवानों की जब नजर नजर से मैं मिली तो शिव जी समझ गए ये कोई परम शक्ति है, बड़ा सिद्ध पुरुष है, इतनी नवीना ज्ञान है कि ये कौन थे। फिर जैसे परमात्मा ने आदेश दिया, कहा शंकर भगवान से कि ऐसे ऐसे इनको कहो कुंवारी गाय लाओ और उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देना। तो गरीबदास जी कहते अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भये दयाल। तो इससे सिद्ध हो गया कि कबीर सागर बता रहे हैं कबीर साहब की जो लीला पुरातन है, और फिर परमात्मा गरीबदास साहब जी को मिले, अपनी महिमा अनुसार आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। फिर उस उन श्रेष्ठ आत्माओं में से जिनको परमात्मा मिले थे, गरीबदास जी ने यही बताया है कि परमात्मा ने कुंवारी गाय का बिना ब्याई गाय का दूध पिया। तो अब ये कंसेप्ट ये क्लियर करना चाहता है दास कि कबीर इज गॉड, सभी सदग्रंथ उनका समर्थन कर रहे हैं, आंखों देखा संत बता रहे हैं। गरीबदास जी कहते हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माए कबीर होया। ये अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। बोलो सतगुरुदेव।